वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोदी सर। आज क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। यह चैप्टर का सिर्फ आज समझाएंगे। कई लोगों ने कमेंट किया था, जैसे आरके गमर, करण पांडे, और मैंने वोट भी लिया था जिसमें चैप्टर 4 का ज़्यादा आपका वोट आया था कि चैप्टर 4 पढ़ाइए सर। तो आज चैप्टर 4 ये समझाएंगे, आज इस बार सिर्फ समझाएंगे। अगर इसको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि हमको नोट्स भी चाहिए। तो ये चैप्टर को समझाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट सिर्फ समझाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट समझाएंगे, याद रखिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बुक पढ़िएगा खुद से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर पार्ट बाई पार्ट आएगा, तो पार्ट 1 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में यूरोप में उद्योग धंधे या यातायात व्यवस्था में या वाणिज्य व्यापार में होने वाले परिवर्तन या चेंज को इतिहास में औद्योगिक क्रांति या व्यावसायिक क्रांति या शिल्प विप्लव नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में सबसे पहले होती है। तो यूरोप में कहाँ सबसे पहले होती है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में होती है 1750 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। तो उसके बारे में वो धीरे धीरे वहाँ से फैलने लगी पूरा यूरोप में, यूरोप से फिर धीरे धीरे एशिया और अलग अलग जगहों में फैलने लगी, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शिल्प विप्लव, जिसे सुप्रसिद्ध इतिहासकार टाइनवी ने औद्योगिक क्रांति कहा। तो सबसे पहले शिल्प विप्लव को ही किसने कहा औद्योगिक क्रांति? तो सबसे पहले इन्होंने कहा था, टाइनवी ने कहा था, इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, याद रखिएगा। 1740 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इंग्लैंड में और 1815 से लेकर आगे 19वीं सदी तक अंत तक यूरोप में विकसित हुआ। तो शुरुआत होती है 1740 से 1850 तक इंग्लैंड में शुरुआत होती है, ठीक है। शिल्प विप्लव का इंग्लैंड में आरंभ, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू होती है? इंग्लैंड में। यह क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई थी, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अब कारण भी है तो आपके नीचे दिए हैं 4 कारण, जैसे कुछ आप समझ सकते हैं। भारत में सूती कपड़ा बहुत फेमस था भारत का, तो पूरा ऑल ओवर आपका यूरोप में भेजा जाता था, जिसके कारण वहाँ के लोग एक तरह से बेरोजगार बोल सकते हैं वो होने लगे थे। धीरे धीरे मशीन का उपयोग ज़्यादा आविष्कार होने लगा, जिससे मशीनी युग भी कह सकते हैं इसको मशीनी युग भी कह सकते हैं आधुनिक युग को। तो धीरे धीरे मशीनी उपकरण ज़्यादा उत्पन्न होने लगे, आविष्कार होने लगे। तो इंग्लैंड में देखिए, शिल्प क्रांति पूर्व कृषि क्रांति हो चुकी थी। तो कृषि क्रांति शिल्प क्रांति से पहले हुई थी, जिसने ही औद्योगिक क्रांति की भूमिका तैयार की। तो इसने ही औद्योगिक क्रांति का भूमिका तैयार की। पर्याप्त खाद्य भंडार, बेरोजगार मजदूर और पूंजी की अधिकता कृषि क्रांति के कारण हुई। तो देखिए, बोले थे ना, बेरोजगारी था, मजदूर लोग को काम नहीं मिलता था, जिस कारण वहाँ शिल्प विप्लव या औद्योगिक क्रांति का उत्पत्ति हुआ। दूसरा कारण है, इंग्लैंड की राजनीतिक दशा स्थिर थी। तो इंग्लैंड की राजनीतिक दशा स्थिर थी, मीन्स इंग्लैंड लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे देश है लगभग सब पर कब्जा किए हुए थे। पार्लियामेंट की शासन व्यवस्था अच्छी होने के कारण राजनीतिक वातावरण व्यापार और उद्योग की उन्नति अनुकूल था। तो वहाँ का जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट था, तो वहाँ एक ठो राजा होते थे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते थे, वो दोनों लोग लगभग एक साथ काम करते थे, जिसके कारण वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति का विकास और हुआ। तीसरा नंबर, वैज्ञानिक आविष्कार में इंग्लैंड आगे था। तो वैज्ञानिक लोग जो वैज्ञानिक आविष्कार करते थे, तो इंग्लैंड में ज़्यादा होता था आविष्कार। क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं जितना देश में सब में तो इंग्लैंड का अधिकार है, तो जो भी वैज्ञानिक जहाँ आविष्कार किया तो नाम होगा इंग्लैंड का ही, इसलिए बोल सकते हैं। विकास के नए नए यंत्रों का आविष्कार मुख्यतः इंग्लैंड में हुआ। तो जितने भी नए नए यंत्र हैं, सूती कपड़ा बनाना, प्रिंटर, वाष्प इंजन, सब कुछ इंग्लैंड में ही मुख्यतः आविष्कार हुआ। इंग्लैंड की जल शक्ति, उसका विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत था। तो इंग्लैंड में जल शक्ति और विदेशी व्यापार ऑल ओवर पूरा उसका क्या बोलते हैं उपनिवेश था, तो व्यापार तो अच्छा होगा। उसके जहाज संसार के विभिन्न क्षेत्रों में आया जा करते थे, तो वो जहाज इधर ये देश से वो देश से ये देश आते जाते रहते थे। अतः विदेशी व्यापार विकास हेतु उसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य था। तो विकास हेतु औद्योगिक क्रांति और जरूरी था। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का प्रसार मीन्स किस तरह फैला, ये जितना भी है सब कुछ पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जितना इम्पोर्टेंट है वही से पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको समझा दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर नोट्स भी चाहिए इसका। देखिए औद्योगिक क्रांति का प्रसार किस तरह हुआ, तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में ये शुरुआत होता है इंग्लैंड से, लेकिन 18वीं शताब्दी में यूरोप तक फैलता नहीं है, फैलने में लग जाता है 19वीं शताब्दी तक। तो धीरे धीरे ये 19वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में फैलने लगती है औद्योगिक क्रांति। फिर देखिए इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने बेल्जियम में एक शिल्प केंद्र स्थापित किया। तो सबसे पहले बेल्जियम में एक शिल्प केंद्र स्थापित किया था। धीरे धीरे इंग्लैंड की सहायता से फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में शिल्प केंद्र तथा कारखानों की स्थापना होने लगी। तो धीरे धीरे दूसरे यूरोप के देशों में स्थापित होने लगी कारखाने की, तो जिसके कारण औद्योगिक क्रांति में और जैसा कलता तेज होने लगी। इंग्लैंड एवं यूरोप में औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड और यूरोप में किस तरह औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होती है सूती वस्त्र कलता कपड़ों को तैयार करने के लिए होती है, सूती वस्त्र के उद्योग में सबसे पहले होती है। तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आरंभिक वैज्ञानिक आविष्कार सूती वस्त्र उद्योग के संबंधी मशीनों के क्षेत्र में हुए थे। याद रखिएगा सूती वस्त्र जब हम लोग के इंडिया में हाथ से बुनाई हुआ करता था, जो कपड़ा था उसको महंगा ज़्यादा सा पड़ता था हाथ से बुनाई के लिए, लेकिन जब सूती वस्त्र का बोलते हैं ये मशीन आ गया तो कम दाम लगेगा। तो सबसे पहले 1738 में एक जुलाही मीन्स जो कपड़ा बुनता हो, जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक एक मशीन बनाई जिससे दूना कपड़ा बुना जाने लगा। तो जो कलता मशीन बनाई जिससे मैं कपड़ा जल्दी जल्दी बुनाने लगा, पहले तो हाथ से जल्दी जल्दी देर से बुना रहता था, लेकिन जब मशीन बन गई 1738 ईस्वी में, याद रखिए जॉन के ने बनाया था, तो जिससे जल्दी जल्दी और कपड़ा बुनाने लगा और कलता मेहनत भी कम लगने लगा। सूती की कमी को दूर करने के लिए हार्गिव्ज ने 1767 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी नामक एक यंत्र बनाया जो कई गुना अधिक सूता तैयार करता था। तो सूता भी जल्दी जल्दी रेशा निकाल कर तैयार करने लगा, तो इन्होंने बनाया। इस तरह से बहुत सारा मशीन बनने लगी थी, जैसे यहाँ पर वाटर फ्रेम बनाया, फिर इधर देखिए स्पिनिंग म्यूल बनाया, फिर पावरफुलम या करघा बनाया, उस तरह से बहुत सारे मशीन यहाँ पर बने, ठीक। लेकिन औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मशीन थी वो थी वाष्प शक्ति की खोज। याद रखिए वाष्प शक्ति या वाष्प इंजन, ये है वाष्प इंजन। तो वाष्प शक्ति का खोज, तो 1688 ईस्वी में फ्रांसीसी डेनिस पेपिन ने सर्वप्रथम वाष्प शक्ति का खोज किया। तो किसने किया, 1688 ईस्वी में फ्रांसीसी के थे, डेनिस पेपिन नाम का है, डेनिस पेपिन सर्वप्रथम वाष्प इंजन की खोज या वाष्प शक्ति की खोज करते हैं। लेकिन 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का तैयार किया। वाष्प शक्ति की खोज इसने किया, लेकिन इंजन का तैयार करना, इंजन अलग होता है और शक्ति अलग होता है। तो इंजन को जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी को तैयार किया, इतना याद रखिएगा। फिर 1807 ईस्वी में वाष्प शक्ति चलित स्टीमर बनाया गया। फिर 14 ईस्वी में प्रथम रेल इंजन बनाया गया। तो याद रखिएगा 1814 ईस्वी में प्रथम रेल इंजन बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला रेल इंजन कब बनाया गया, 1814 ईस्वी में, और पहला वाष्पचलित इंजन कब बनाया गया, 1769 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर 1830 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली रेल सेवा आरंभ हुई। तो इंग्लैंड में पहली रेल सेवा कब आरंभ होती है, 1830 ईस्वी में, लेकिन भारत में 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब विद्युत शक्ति का विकास, अब विद्युत भी आने लगा, तो विद्युत आ जाएगा तो औद्योगिक क्रांति और जल्दी तेज काल तक फैलेगा। तो विद्युत शक्ति का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, याद रखिएगा। इस शक्ति का खोज इंग्लैंड में माइकल फैराडे ने की, याद रखिएगा किसने की, माइकल फैराडे ने की। यद्यपि यह खोज काफ़ी समय बाद हुई, इस खोज ने यंत्रों की कार्य क्षमता, यातायात, संचार व्यवस्था आदि क्षेत्रों में युगांतर ही पैदा कर दिया। तो विद्युत जब शक्ति आ गया तो जल्दी जल्दी यातायात चलेगा, जो कार्य क्षमता है वो जल्दी तेज होने लगेगी, कारखाना में जितने काम है सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो विद्युत शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान है, और वाष्प शक्ति खोज के भी। फिर अन्य आविष्कार भी हुए थे, कुछ अलग अलग आविष्कार, जैसे टेलीग्राफ, उस टाइप के बहुत सारे आविष्कार हुए थे। इसी बीच टेलफोर्ड और मैकाइड नामक इंजीनियर ने पत्थर के टुकड़े को कोलातार के साथ मिलाकर पक्की सड़क बनाने की विधि खोज ली। तो सड़क बनाने की विधि भी खोज लिया गया था, पक्की सड़क।
जानते हैं नाम जरा सा अजीब लगेगा इन लोग का, लेकिन क्या करेंगे, वो अंग्रेज लोग का नाम है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों के चेष्टा में यह जल यातायात का भी विकास हुआ। धीरे धीरे नदियों में पुल बनाने लगे हैं। इंग्लैंड में पेनी पोस्ट योजना भी चालू कर दिया गया, भेजने की प्रथा लागू कर, संदेश भेजने की प्रथा। तो पेनी पोस्ट का था ये, संदेश भेजने की प्रथा थी। ठीक है, धीरे धीरे टेलीफोन, टेलीग्राफ जैसे साधनों का भी धीरे धीरे खोज होने लगी। 1760 में जॉन स्मिटन ने लोहा गलाने की एक विशेष प्रकार की भट्टी तैयार की, वैसे वेल्डिंग बोल सकते हैं। तो 1760 में जॉन स्मिटन ने लोहा गलाने की भट्टी तैयार करते हैं। 1790 में पहली बार लोहे का चादर से बना हुआ जहाज जल में उतारा गया। तो टाइटैनिक मत समझ लीजिएगा, पहली बार लोहा का बना हुआ जहाज जल में उतारा गया, कब, 1790 में, याद रखिएगा। 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाकर खनिज में काम करने के क्षेत्र में सुविधाजनक बना दिया। धीरे धीरे वैज्ञानिक उपायों के खाद्य संरचन, कोयले के गैस से आग पैदा करना, तो डायनमो, विद्युत प्रकाश, फोटोग्राफी आदि अनेक आविष्कार होने लगे। धीरे धीरे और आविष्कार बढ़ने लगे। जिन उपयोग के आविष्कार में धूम मचाकर इंग्लैंड के शिल्प क्रांति का सर्वप्रथम गौरव अर्जित किया। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, कारण ही था इंग्लैंड बदलाए थे, क्योंकि इंग्लैंड के सभी देशों में लगभग कब्जा था। तो इंग्लैंड को संसार का कारखाना कहते हैं, इंग्लैंड संसार का कारखाना है। 1750 में बोला जाए तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1850 तक इंग्लैंड संसार का कारखाना बन गया था। क्यों, क्यों देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज के क्रम में 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार कर कारखाना पद्धति की नींव डाली। तो सबसे पहले इन्होंने डाली थी कारखाना पद्धति की नींव, इतना याद रखिएगा। फिर रोलरों की अधिक संख्या के कारण इस मशीन में के लिए काफ़ी बड़े स्थान की आवश्यकता थी, अब जगह भी तो ज़्यादा चाहिए। तो ऑकराइट को फैक्ट्री प्रथा के संस्थापक कहा जाता है। तो इन्हीं को बड़ा कारखाना जगह ले लिए, तो उसको कारखाना बोलते हैं या फैक्ट्री बोलते हैं। तो फैक्ट्री के संस्थापक कौन थे, ऑकराइट, पूरा नाम क्या है, रिचर्ड ऑकराइट, ये याद रखिएगा, इसको याद रखना है। इंग्लैंड में वैज्ञानिक ने अपनी खोजों के द्वारा यातायात, परिवहन, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में क्रांति सुधार ले आई। वाष्पचलित इंजन की खोज के कारण उत्पादन की तथा जॉर्ज स्टीफेंसन के वाष्पचलित इंजन द्वारा रेल यातायात प्रगति के कारण इंग्लैंड के लोहे एवं कोयले के उद्योग की अत्यधिक प्रगति होने लगी, इतना याद रखिएगा। भाप इंजन के उद्योग, भाप इंजन या वाष्प इंजन वही होते हैं, और खानों के काम में क्रांति ला दी। तो जिसके कारण जल्दी जल्दी इंजन जब काम करने लगे तो जल्दी जल्दी काम भी होने लगा कारखाना में। रोटरी मशीन की खोज बाद कपड़े के कारखानों में भाप के इंजनों का प्रयोग होने लगा। तो याद रखिए, धीरे धीरे कपड़ों के कारखानों में भी भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा, रेल के इंजनों में भी प्रयोग होने लगा। 1823 में पहला लोकोमोटिव कारखाना न्यूकसेल में स्थापित किया गया। तो पहला कारखाना 1823 में स्थापित किया गया। 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक रेल लाइन बिछाई गई। 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक लाइन बिछाई गई। मैनचेस्टर एक जगह का नाम है यूरोप, इंग्लैंड के एक जगह का नाम है, और लिवरपूल तक। पहले कपड़े के कारखाने जल शक्ति से चलने वाली मशीनों के कारण नहरों के किनारे होते थे। तो पहले जो कारखाने होते थे जल नदी के बगल में होते थे, क्योंकि जल शक्ति से चलते थे वो, जल विद्युत से। वाष्पचलित इंजन बन गए, अब तो वाष्पचलित इंजन बन गए, तो कारखाने अन्य स्थानों पर भी लगने लगे। लेकिन अब जल के लिए जरूरी नहीं है, जल के किनारे ही बनने लगे, अब कहीं पर भी आप कारखाना लगा सकते हैं। रेलों के विस्तार के कारण उत्पादन अत्यधिक वृद्धि होने लगी। तो रेल के पटरियां विस्तार होने लगी, रेल जल्दी जल्दी चलने लगी, तो कच्चे माल जल्दी आएंगे, फिर उसको जल्दी जल्दी भेजा जाएगा, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी विस्तार होने लगी रेल के कारण, याद रखिएगा। लोहे के कोयले की खानों का मनचाहा लोहा और कोयला निकाला जाने लगा। तो बहुत सारे जो यंत्र होने लगे, तो जिसके कारण क्या बोलते हैं, खानों में जल्दी जल्दी काम होने लगी। तो लोहा जल्दी निकाला गया, चाहे कोयला जल्दी जल्दी निकाला गया, तो काम भी जल्दी जल्दी होने लगेगा। लोहे के इस्पात के रूप में देखकर उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों, आवश्यक उपकरणों, जलयानों के निर्माण होने लगी। तो लोहे के इस्पात जो लोहे का प्रमुख कारण है, जिसके कारण हम लोग का औद्योगिक क्रांति और विकास होने लगा। तो हर कुछ में लोहा का उपयोग होने लगा। 1850 तक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबाई तक रेल यात्रा संभव हो चुकी थी। तो पूरा 1850 तक पूरा 10,000 किलोमीटर तक कलता है रेल की पटरी बिछ गई थी लगभग।
संसार के समुद्री कोयले के उत्पादन का आधा भाग ब्रिटेन में निकाला जाने लगा। तो जितना भी कोयला वोला ब्रिटेन में आने लगा, और वहाँ पर मेन नहीं है, 1847 में बाहर भेजे जाने वाले माल की मात्रा 140 टन तक पहुँच गई, लेकिन 1885 ईस्वी में इंग्लैंड संसार का कारखाना बन गया। ये याद रखिएगा, 1885 तक इंग्लैंड संसार का कारखाना बन गया, वर्ल्ड्स ऑफ वर्ल्ड, याद रखिएगा 1885 तक। उन दिनों इंग्लैंड में लोहे के उत्पादन लगभग 25 लाख टन, कोयले का 646 लाख टन, कपास का खपत लगभग 3 लाख टन और कच्चे ऊन का आयात लगभग 470 लाख टन तक पहुंच चुका था। इसलिए इंग्लैंड को विश्व का कारखाना भी कहते हैं, याद रखिएगा विश्व का कारखाना भी कहते हैं, विश्व का भट्टी भी कहते हैं। तो पूछ जाएगा विश्व का भट्टी या विश्व का कारखाना किसे कहते हैं, तो इंग्लैंड को। विश्व का बैंकर भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक मान लिया गया था, तो विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इतना सारा कुछ सिर्फ इंग्लैंड को कहा जाता है। जहाँ पूछा जाएगा विश्व का कारखाना किसे कहते हैं, इंग्लैंड को। विश्व का भट्टी किसे कहते हैं, इंग्लैंड को। विश्व का बैंकर, इंग्लैंड को। सब कुछ इंग्लैंड को। देखिए औद्योगिक क्रांति का द्वितीय चरण, तो सेकंड आपका फेज है, याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति का ये इंपॉर्टेंट ही है। औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे किस तरह फैला उसके बारे में है। तो पहले इंग्लैंड में फैला, उसके बाद फ्रांस में फैलता है, याद रखिएगा धीरे धीरे फ्रांस में फैलता है। फ्रांस की औद्योगिक क्रांति प्रगति 1848 ईस्वी से दृष्टि गोचर हुआ, मीन्स दिखने लगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, फैलने लगी। लुई फिलिप के समय पूंजीपति ने कारखाने की स्थापित करने की प्रोत्साहित किया गया, तो लुई फिलिप जो राजा थे, लेकिन सच्ची क्रांति तो नेपोलियन तृतीय के समय में शासनकाल में शुरुआत होने लगी। फिर देखिए धीरे धीरे रेशम और ऊन वस्त्रों को उद्योग में भी प्रगति की, साबुन तेल कागज शराब सीसा घड़ी आदि इत्यादि विकसित होने लगी। जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस तेजी से प्रगति करने लगा, ये हम याद रखिएगा। फिर 1870 ईस्वी तक फ्रांस इंग्लैंड के बाद दूसरा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1870 ईस्वी तक। उससे पहले तो इंग्लैंड था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा औद्योगिक राष्ट्र बना कौन आपका, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, याद रखिएगा फ्रांस दूसरा है। फिर है जर्मनी, उसके बाद फिर जर्मनी में होता है औद्योगिकरण फैलने लगता है, तो ये फिर उसके बाद रूस, तो रूस याद रखिएगा, रूस तो बहुत बड़ा, सबसे बोलेंगे दुनिया में सबसे बड़ा देश तो रूस ही है। तो रूस का लोह उत्पादन इंग्लैंड और फ्रांस से अधिक तथा जर्मनी से दोगुना था, तो क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र में बहुत बड़ा था, तो लोह उत्पादन में इसमें भी ज़्यादा होते था, तो रूस में ज़्यादा लोह उत्पादन होने लगा। 1805 ईस्वी तक वह ब्रिटेन से अधिक लोहा निकाला जाता था, तो लोहा सबसे अधिक इंग्लैंड से ज़्यादा निकलता है, तो रूस में, इंग्लैंड छोटा सा देश था लेकिन बहुत देशों में कब्जा था। धीरे धीरे रूस के बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा पढ़ लीजिएगा। अब आता है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, ये चैप्टर ये पार्ट टू में आएगा आपका, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और नोट्स चाहिए तो कमेंट करिएगा, अच्छा पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करें।